कितना प्यार है ये चेहरा। ये न जाने। तो फ्रेंड्स आप भी अपने फ़ोन से अपने फोटो को लगाकर इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फोन से इस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगली बार जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वीडियो को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाना है। ओपन हो जाने के बाद आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है एंड आपको फर्स्ट ले साइड को सिलेक्ट करना है जो 16.9 है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस साइड में सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एडिटिंग वाले पे आ जाना है। एडिटिंग वाले पे आने के बाद यहाँ से नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ सही कर देना है। सही करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से मीडिया में ओपन हो जाना है। मीडिया में ओपन हो जाने के बाद अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स तो मैं अपने फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स फोटो को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आगे आ जाना है। आगे आने के बाद दो फोटो के बीच में एक माइनस बना आएगा जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने हिसाब से यहाँ से इफेक्ट लगा लेना है। मैं लगा लेता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके काइन मास्टर में ऐसा इफेक्ट नहीं आते तो आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ से नीचे आना है। इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं गेट मोर का एक ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना, बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाता है। तो आपको डाउनलोड करके यहाँ से इफेक्ट आपको लगा लेना है अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इफेक्ट को चूज कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या कि नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने हिसाब से टाइमिंग भी रख लेना है। टाइमिंग को चूज करने के बाद आपको सही करना है। सही करने के बाद आपको सेकंड ट्रांसफर इफेक्ट पर आपको जाना है एंड आपको यहाँ पे भी इफेक्ट लगा लेना है अपने हिसाब से। तो मैं लगा लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे भी, इसमें भी आपको टाइमिंग कर देना है अपने हिसाब से, उसके बाद यहाँ सही कर देना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा एंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो सेव हो जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो को सेव हो जाने के बाद आपको करना क्या फ्रेंड, पूरा बैक हो जाना है आपको यहाँ से। ठीक है, बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ फिर से प्लस वाले पे क्लिक करना एंड आपको फर्स्ट ले साइड को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ले साइड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को हम लोग अभी एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे आ जाना है। आगे आने के बाद हम यहाँ से लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले पे आइएगा, सेकंड वाले पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद बेसिक इफेक्ट पे जाइएगा एंड यहाँ से ब्लर वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे साइड से इसको पूरा बढ़ा देना है जितना हमारा वीडियो बड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ सही कर देना फ्रेंड्स। सही करने के बाद यहाँ से आपको लेयर में जाना है एंड आपको यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ले आना है, इसे ले आने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है सबसे पहले फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले पे जाइएगा। ब्लेंडिंग वाले पे जाने के बाद यहाँ से नीचे आके स्क्रीन कर दीजिएगा। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद यहाँ से ऊपर करना, इस तरह से ऊपर करने के बाद यहाँ से एडजस्टमेंट में जाना एंड आपको यहाँ से सेकंड वाले को बढ़ाना है एंड आपको यहाँ से थर्ड वाले को इस तरह से बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ सही कर देना है। सही कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या, फिर से आपको लेयर पे जाना है एंड आपको यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फिर से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो को मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसको छोटा कर लेना है इस तरह से। छोटा करने के बाद आपको इसको यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, लगा लीजिएगा इस तरह से। आप लगाने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। सही करने के बाद फिर से आपको लेयर पर जाना है एंड आपको यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि मैं एक फ्रेम का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फ्रेम का मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस जगह डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ले आना है। ले आने के बाद इसको छोटा करना है इस तरह से। ठीक है, छोटा करने के बाद आपको वीडियो को बराबर इसे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर लगाने के बाद आपको करना क्या कि नीचे साइड से इसको पूरा बढ़ा देना है इस तरह से। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। सही करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि फिर से आपको यहाँ से लेयर पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले पे जाना है एंड आपको यहाँ से नीचे आकर स्क्रीन इसे भी कर देना है एंड आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से ऊपर आना एंड यहाँ से एडजस्टमेंट में जाना है एंड आपको सेकंड वाले को बढ़ाना है एंड यहाँ से थर्ड वाले को बढ़ाना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है, तो आपको टेक्स्ट को जहाँ भी लगाना है आप अच्छे से लगा लीजिएगा इसको एंड आपको यहाँ से इसे सही कर देना है। सही करने के बाद आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको चलाकर दिखाता हूँ किस तरह से आपका वीडियो बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो बन जाने के बाद। वीडियो बन जाने के बाद इसे सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा एंड आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जरा सा ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितना उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।